हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पिनाकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। पिनाकल कोचिंग की तरफ से मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि इस बार जो वैकेंसीज एसएससी में है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर्स एक इनिशिएटिव है जिसको लिया है। इसमें हम लोग बेसिकली स्टैटिक जीके के अंदर हमारी जो टीसीएस की एमसीक्यूज 6500 प्लस एमसीक्यूज आती है जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही होंगी, इसी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ये कोर्स है। इसमें बेसिकली हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और जो विजुअल इफेक्ट्स होता है, विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे ढंग से एक पिक्चोरियल व्यू से मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख रहा है और आपके सामने जो स्क्रीन पर जो ब्लू बुक है, जो TCS की 6500 प्लस MCQs की बुक है, इसको कोई भी अच्छे से करता है तो हमें पूरा उम्मीद है कि उसका एग्जाम हो टायर 1 या टायर 2, दोनों में जो उसका स्कोर है वो बेहतर होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो कोर्स को आप हमारे वेबसाइट से या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स के अलावा ये जो आपके सामने बुक दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चूंकि अब एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी को ये बुक अब लेना है तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बुक को भी 3-4 बार रिविजन नहीं करोगे, 5 बार रिविजन नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। खैर, ये वीडियो कोर्स उसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ये वीडियो कोर्स अगर आप देख रहे हैं और इस बुक को अगर आपने एक बार भी रिवीजन किया इस वीडियो कोर्स के बाद, अगर आपने इस बुक को एक बार रिवीजन किया तो भी हमें उम्मीद है कि आपका जो स्कोर होगा वो डेफिनेटली बूस्ट अप होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका इस बार SSC में अच्छा स्कोर आए, चूंकि वैकेंसी जो है इस बार मोर देन 35,000 है, समथिंग अराउंड 37,000 वैकेंसी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों को लगातार बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद है कि अगले 10 साल में दोबारा आएगी, तो अगले 2-4 साल जो मेहनत हमें करना है क्यों नहीं हम वो मेहनत आज ही कर डालें, है ना। तो इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो भी बच्चों आप लोगों में से देखा है वो देखे होंगे कि हम लोग फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पेंटिंग्स, बहुत सारे डांसेस, बहुत सारे फोक आर्ट, फोक सॉन्ग सब डिस्कशन किए हैं। ये सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ आपके लिए। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग आज को इंडिया एंड वर्ल्ड के जो फर्स्ट चीजें हैं वो हम डिस्कशन आज से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो आज का पहला क्वेश्चन आने वाला है वो है ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड। देखिए, ऑस्कर अवार्ड पे हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने AR रहमान का मूवी जो था, AR रहमान साहब की जय हो, उसमें उनको मिला, वो सब डिस्कशन किया है। ये फिर से एक ऑस्कर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड, पहला भारतीय जिनको पहली बार ऑस्कर मिला, बताइए निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, भानु अथैया, सत्यजीत रॉय, AR रहमान या रसूल पुकुट्टी, बताइए। भारत के हैं, ठीक है, ये भारत के हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है भानु अथैया, ठीक है। इनको बेसिकली जो ऑस्कर अवार्ड है वो 1983 में ही मिला था, ठीक है, 1983 में मिला था, किस मूवी के लिए, गांधी। क्या आप लोगों ने गांधी मूवी देखी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, गांधी मूवी। प्लीज अभी तक नहीं लेकिन एग्जाम के बाद जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी एग्जाम क्लियर करते हैं, अभी का हमारा टारगेट, मेरा हो या आपका, एक ही टारगेट रहेगा कि हमें किसी स्थिति में टायर 1 एग्जाम कंप्लीट करना है, हमें क्लियर करना है, ठीक है। फर्स्ट हर्डल जिस दिन क्लियर हो जाएगा आपका, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। जब भी आपका कॉन्फिडेंस कम हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो पहला हर्डल है उसको हम लोग पहले क्लियर करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन मेन्स हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, मतलब वो जो ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, लंदन, सिडनी, बार्सिलोना या एथेंस, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है लंदन, ठीक है। लंदन में जो गेम हुआ था वहां पुरुषों की टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक भी देखते हैं, इंडिया ने हराया किसको था, इंडिया में लंदन में जाके ब्रिटेन को हराया था, ठीक है, ब्रिटेन को हराया था, और ये जो था वो 1948 का समर ओलंपिक था, ठीक है, समर ओलंपिक था, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट समर ओलंपिक कहां होने वाला है,
आप मुझे प्लीज बताइए नेक्स्ट समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, बताइए। भारत में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, कन्नड़, संस्कृत, तमिल या मलयालम, बताइए। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, कन्नड़, संस्कृत, तमिल या मलयालम? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज तमिल। आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं संस्कृत के साथ, बिल्कुल नहीं होना है, तमिल एकदम रट जाइए। तमिल एक पहला भाषा है जिसे सबसे पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में, क्या बता सकते हैं आप? टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है कितने? सिक्स। टोटल सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज है, एक तमिल हो गया, बाकी पांच कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संस्कृत, ठीक है, उसके बाद कन्नड़ा, ठीक है, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, कितने हुए? 1, 2, 3, 4, एक हो गया तमिल और एक कौन सा है? एक है उड़िया, ठीक है। उड़िया भाषा को बेसिकली 2014 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद रहेगा आपको, सबसे रिसेंटली किसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है तो वो है उड़िया लैंग्वेज, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, बताइए। जैविक खेती आप समझ रहे हैं जिसमें कोई केमिकल का इस तरह का यूज ना हो, असम, सिक्किम, पंजाब या गोवा? इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? सिक्किम, ठीक है। कब बना? 2016 में, ये यहां पूछा गया है 2016 में। अच्छा, पहला सिक्किम है, दूसरा कौन सा है, क्या आप मुझे दूसरा बता सकते हैं? तो दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। फर्स्ट इज सिक्किम, सेकेंड इज लक्षद्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द बॉयज सिंगल टाइटल एट विंबलडन इन 1954। भारत का कौन सा भारतीय प्लेयर जो है वो लॉन टेनिस खिलाड़ी जो 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? आपके जो चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है, रामनाथ कृष्णन, रमेश कृष्णन, आनंद अमृतराज या विजय अमृतराज, बताइए। रामनाथ कृष्णन, रमेश कृष्णन, आनंद अमृतराज या विजय अमृतराज? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है रामनाथ कृष्णन, ठीक है। कब जीते थे ये? 1954 में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये जो विंबलडन है ये कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं विंबलडन कहाँ है? देखिए, ज्योग्राफी जब हम करेंगे तो ज्योग्राफी में बहुत सारी इस तरह के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। लेकिन अभी देख लेते हैं, लंदन जो है ना वो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का या लंदन का, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, बेसिकली लंदन का एक डिस्ट्रिक्ट है विंबलडन, ठीक है, विंबलडन इससे भी याद कर सकते हैं, लंदन का एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, क्या होगा इसका राइट आंसर? आर के पश्चिमुखम चेट्टी, टी टी कृष्णमाचारी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या जगजीवन राम, बताइए। ऐसे क्वेश्चन काफी एसएससी के एग्जाम में देखे जाते हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले वित्त मंत्री कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब करेंगे हम लोग, ठीक, सब करेंगे। बताइए इसका आंसर, बताइए अभी। इसका जो राइट आंसर है आर के सनमुखम चेट्टी, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ, अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर दोगे आप? द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, वित्त मंत्री, तो इन्होंने बजट पेश किया हुआ, कब किया हुआ? ये बजट पेश हुआ था 26 नवंबर
1947, ठीक है, भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना, महाराष्ट्र का पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र का पूछ रहा है, ये याद रखें आप लोग। नीला सत्यनारायण, रेखा शर्मा, मीनाती बेहरा या सुगाथा कुमारी, इसका जो राइट आंसर है वो है नीला सत्यनारायण, ठीक है। नीला सत्यनारायण जो थी वो महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन कमिश्नर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1862 द हाई कोर्ट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश एट। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कहां पे, ठीक है, बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, मद्रास, दिल्ली, ग्वालियर या झांसी, क्या होगा राइट आंसर बताइए, मद्रास, दिल्ली, ग्वालियर या झांसी। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा मद्रास, ठीक है, मद्रास। बेसिकली तीन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, एक मद्रास था, दूसरा था कलकत्ता एंड बॉम्बे, बॉम्बे थ्री हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में मद्रास है इसलिए मद्रास हम लोगों ने मार्क किया है, अगर यहाँ कलकत्ता होता तो कलकत्ता आंसर होता, क्योंकि पहला अगर जो तीनों में खुला था वो कलकत्ता ही खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पांडुरंगा वामन केन, पुरुषोत्तम दास टंडन, बताइए। फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव भारत, ठीक है, इस लाइन को याद रखिए, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है सीवी रमन, ठीक है। बेसिकली पहले तीन लोगों को मिला था सीवी रमन के साथ, पहली बार 1954 में चार तीन लोगों को चुना गया था, तो एक तो सीवी रमन साथ थे, बाकी दो कौन थे, एक थे एस राज गोपालाचारी, ठीक है, और दूसरे थे एस राधा कृष्णन, ठीक है, एस राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन, तीनों लोगों को एक साथ 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट स्पुतनिक वन। किस देश ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक एक का लॉन्च किया, बताइए, किस देश ने स्पुतनिक वन को लॉन्च किया था। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बहुत लोगों को ये पता होगा, ये था यूएसएसआर। देखिए यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद रशिया बना, बहुत सारे देश बने, लेकिन उसके पहले सब एकजुट होकर यूएसएसआर कहलाते थे, ठीक है, तो यूएसएसआर ने ही स्पुतनिक वन का आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो था उसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो अच्छा, ये कितने तारीख को किए थे इसको देख लेते हैं, ये जो हुआ था वो 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, ठीक है, ये डेट भी याद रखेंगे आप लोग, 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर ने स्पुतनिक वन जो कि एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट था उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बलबीर दोसांझ, मिक्खा सिंह, मनप्रीत सिंह या धनराज पिल्ले, बताइए। आप लोगों में से बहुत लोगों को जो आंसर नहीं होगा धनराज पिल्ले के प्रति थोड़ा सा टेम्पटिंग होंगे, लेकिन धनराज पिल्ले बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है, ही वॉज अ पर्सन हु गॉट हु वॉज अवार्डेड पद्मश्री फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको मिला था। अच्छा, ये कौन सा गेम खेलते थे, हॉकी, ठीक है, ये हॉकी प्लेयर थे और ये ओलंपिक में 3 बार 3 टाइम्स गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है, 3 टाइम्स गोल्ड मेडल, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंदर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।
हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन अंडर 18 टाइटल इन द ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट इन 2008। देखिए 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2021 में पूछा गया है, ठीक है। खैर आपको आंसर तो बताना ही है, ट्राई करना ही, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रिपीट हुआ तो आप लोग इसको फिर गलत ना करो। बताइए किस खिलाड़ी को 2008 में ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट के अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। बेसिकली जीके का क्वेश्चन है ये, रोहन बोपन्ना, मनाज धामने, लिएंडर पेस या यूकी भामरी। यस बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसका यूकी भामरी है, ये इसके यूकी भामरी को ही अंडर 18 के टाइटल के लिए ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट में इनको खिताब मिला था, ठीक है। पहले भारतीय ये बने थे। और यूकी भामरी कौन से प्लेयर थे? टेनिस प्लेयर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली महिला कमांडर ट्रेनर थी? अवनी चतुर्वेदी, दमयंती बेसर, डॉक्टर सीमा राव या रानी रामपाल। अवनी चतुर्वेदी को तो आप इजली हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली बहुत नाम में थी, तो इनको तो हटा दीजिए। फिर इन तीनों में से आपको ऑप्शन जोड़ना है, ठीक है। दमयंती बेसरा, डॉक्टर सीमा राव या रानी रामपाल। क्या बोल रहा है? फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर, ठीक है, पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी ये। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? वो होगा डॉक्टर सीमा राव, ठीक है। अच्छा क्या बता सकते हैं, शांति टिग्गा ये कौन थी? ये शांति टिग्गा कौन थी? ये जो थी पहली फीमेल जवान थी, कहाँ की? आर्मी की, इंडियन आर्मी की, ठीक है, इंडियन आर्मी की पहली फीमेल जवान थी, फर्स्ट फीमेल जवान थी इंडियन आर्मी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, आर के सम्मुखम चेट्टी, ठीक है, अच्छी बात है, रिवीजन हो गया, याद रहेगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम था बताइए? पननी, सूक्ष्म, आर्यभट्ट या चरक। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आपको पता है, बिल्कुल सही, 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1975 में। आर्यभट्ट आपको पता होगा किस साल लॉन्च किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, तो 1975 आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन उस ढंग से पूछेगा तो वो इस समय इसको रिप्लेस कर देंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे बताइए? पहले भारतीय। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? क्या आप मुझसे कोई बता सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ इंडिया में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो लोकसभा को कहते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ लोकसभा होता है वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर राज्यसभा किसको कहते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपर हाउस है, ठीक है, वो अपर हाउस कहलाता है, जैसे कि भारत में राज्यसभा है, यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्यादा जाते हैं, ठीक है, लॉर्ड यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उसी तरह हमारे यहाँ राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर ज्यादा जाते हैं। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो किस लिए इलेक्शन होते हैं? लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। कभी आपने सुना है कि राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है? क्योंकि राज्यसभा में हमारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है, हमारे एरिया के, बाकी जितने भी ये सब चीजें हैं वो पोलिटिक हम लोग करेंगे, लेकिन मेरे पास इतना आपको अभी तक इतना ध्यान रखिए कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है वो ब्रिटेन का अपर हाउस और लोअर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए कि पहले कौन से भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के लोकसभा में चयनित हुए थे? एम एन रॉय, दादा भाई नरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या हसरत मोहनी, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? हसरत मोहनी।
इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी पहले इंडियन थे जिनको हाउस ऑफ कॉमर्स में चुना गया था। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर कौन कौन आता है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन नहीं, लोकसभा राज्यसभा के साथ हमें प्रेसिडेंट को भी मानना है, प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। उसी तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स प्लस जो मोनार्की है वहां की, जो मोनार्क है उनको भी वहां के पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। प्लीज इस क्वेश्चन को आप कभी मत भूलिएगा। पार्लियामेंट का पार्ट तीन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर वुमेन फाइटर पायलट टू हैव टेकन पार्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। आपके ऑप्शन हैं इनी दिव्या, भावना कांत, मोहना सिंह जितरवाल या अवनी चतुर्वेदी, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है भावना कांत। बेसिकली ये बिहार से हैं भावना कांत, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन कनाडा। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, बताइए। 1930, 1909, 1912 या 1956। कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते हैं दिल्ली में भी एक बार हुआ था अभी कुछ वर्ष पहले, ठीक है, तकरीबन 10-15 साल, 12 साल हो चुके हैं उसके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है 1930, ठीक है, 1930 में पहली बार कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंगम, मोमिटर व्हीलर या जॉन मार्शल, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, किसके ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, एएसआई के, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, बेसिकली हमारे यहाँ जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐसे हेरिटेज हैं उनका सुरक्षा करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। जैसे आपने कितनी बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में आता है कि हरियाणा के या राजस्थान की इस जगह पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये चीज़ मिला है, ठीक है, एक कटोरा मिला है या कुछ मिला है, तो वो जो खनन होता है, वो जो रिसर्च होता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू विन अ ग्रैमी अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला है, पहली महिला की बात हो रही है, ठीक है, बताइए। मोनाली ठाकुर, पलक मुछली, तन्वी शाह या नीति मोहन। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कुछ लेक्चर्स पहले, आपको याद होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है तन्वी शाह, ये मैंने डिस्कस किया था, आपको अगर याद होगा तो इजी है इसके आंसर आपके लिए। और इसको क्यों मिला था, ये जय हो मूवी जो आई थी उनमें इनके काम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 2018। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियन खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने, बताइए। पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला जेवलिन थ्रो में कौन है, काफी पॉपुलर नाम है, आप सब तो पॉपुलर होंगे इनसे, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर। तो इनका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो नीरज चोपड़ा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 89.94 मीटर। ये आप लोग याद रखेंगे प्लीज, ठीक है, ये आप ऐसे याद सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही याद करने में, 4 × 8 और ये दोनों सेम है तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा 89.94, इसको ध्यान रखना है। वहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं वो लोग, 79.74 इस तरह का दे सकते हैं, तो ठीक है 89.94 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर टू इवेंट्स, मिक्स डबल्स एंड वुमेन डबल्स इन द ओलंपिक।
निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में दो स्पर्धाओं मुगल मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? बताइए, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा या अश्विनी पोनप्पा? क्या होगा राइट आंसर बताइए। खिलाड़ी में दिलचस्प रखने वाले सारे कैंडिडेट प्लीज जल्दी से बताइए, आपको तो बताना ही चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ज्वाला गुट्टा। ठीक है, ज्वाला गुट्टा। अच्छा, साइना नेहवाल के भी साथ उपलब्धि है, ये फर्स्ट वुमेन है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, और ज्वाला गुट्टा क्या है? ज्वाला गुट्टा है फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर टू इवेंट्स। ठीक है, दो इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था इन्होंने, मिक्स डबल्स और वुमेन डबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म? निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? बताइए, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका या भारत? इसका राइट आंसर होगा यूके। ठीक है, कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1876। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू प्ले फॉर अ यूरोपियन फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी? निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? किससे खेलने वाला? यूरोपियन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे यूरोपियन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला भारतीय महाद्वीप का पहला खिलाड़ी। ठीक है, कौन था बताइए? शैला महापात्रा, मोहम्मद सलीम, निवेदिता डिसूजा और प्रदीप कुमार बनर्जी? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद सलीम। ठीक है, मोहम्मद सलीम पहले भारतीय मूल के लोग थे जो उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल क्लब के लिए खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं यूके, ग्रीस, स्पेन या चीन। यस, बिल्कुल सही, आपका जिसका भी आंसर ग्रीस है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ग्रीस में खेला गया था। ठीक है, ग्रीस में खेला गया था, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, ग्रीस में खेला गया था। ये जीके का क्वेश्चन है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी प्रासंगिकता है, वो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये जितने दिन तक याद रहेगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद ये चीज है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1948, 1973, 1963, 1977? बताइए। तो ये जो राइट आंसर है वो है 1963। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ था, लॉन्च पैड कहां था? थुम्बा, बलासोर से लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये लॉन्च पैड था, यहां से लॉन्च हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल बाई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन? निम्नलिखित में से किसे आईबीएफ द्वारा बीसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? देखिए, हर एक एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर या पहले जो दिव्यांग है, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको प्लीज आप लोग रट के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बताइए इसका आंसर। इंदिरा नूई, किरण मजुमदार, चित्रा रामकृष्ण या गीता मित्तल? बताइए। यस, बिल्कुल सही, गीता मित्तल इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए, प्रथम विधि आयोग। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों में से थोड़ा सा भी जो पोल्ट्री वगैरह पढ़े हैं उनको पता होगा। कब की बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, बताइए। तो ये जिसका राइट आंसर है वो है 1955। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन, अगर मैं ये पूछूं इंडिपेंडेंट इंडिया अगर हमें हटा दूं
और पूछूं कि फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, डिस्पाइट इंडिपेंडेंट और अंडर द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अगर इसको हटा दें हम, अगर केवल सवाल ये प्लेन सा है कि पहला विधि आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो क्या होगा आंसर? तो आंसर आपका हो जाएगा 1834, ठीक है, ब्रिटिश एरा में पहली बार लॉ कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1834 में हुआ था, ठीक है, और ये जो हुआ था वो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत हुआ था। देखिए चार्टर एक्ट वगैरह जो है भी है, हम लोग हिस्ट्री में सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरा डिस्कशन का यही एक मकसद है कि आपको इस डिस्कशन देखने के बाद दोबारा फिर इस तरह से कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये चीज़ें सब मेमोराइज रहे, और आपको कुछ नहीं करना है, रोज आप मेरी एक एक वीडियोस देखनी है, और आपका मुझे लगता है जीएस में आप बहुत कंफर्टेबल स्थान पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से वीडियोस को देखिए, ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो लॉ कमीशन था वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था जो 1833 में बना था? तो लॉर्ड मैकूले, मैकूले, लॉर्ड मैकूले के द्वारा ये प्रिसाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स इज इंडियाज फर्स्ट अर्थ इमेजिनिंग सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूअस्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है, बताइए। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या है, कौन सा ऑप्शन है राइट? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है जी सेट, जी सेट वन, ठीक है। अच्छा आज अगर बात करें तो इंडिया के दो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं हमारे, ठीक है, स्पेस में, वो कौन कौन से हैं? दो सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ ऑब्जर्विंग, अच्छा अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट क्या होता है? ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आपने देखा होगा जियो स्टेशनरी, ये सैटेलाइट क्या होता है? स्टेशनरी है, मतलब ये हमेशा इस एरिया पे ही फोकस करेगा, अर्थ के साथ साथ ये भी घूमता रहता है, सैटेलाइट भी हमारा घूमते रहता है, इसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। आज के युग में दो सैटेलाइट हैं जो हमारे अभी अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार नाम देख लेते हैं। इनसेट 3D, थ्री डायमेंशन, ठीक है, और उसके अलावा है एक इनसेट 3DR, ये जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था और ये 2013 में, ठीक है, समझ गए। दो सैटेलाइट है, स्टेशनरी का मतलब को समझा दिया, जो अर्थ के साथ साथ वो घूमता रहता है, ठीक है। मान लो कि हमने कोई ऐसा सैटेलाइट छोड़ा है आसमान में जिसका पर्पस, हमारा पर्पस ये है कि वो इंडिया के पर ही फोकस करे, अगर वो जियो स्टेशनरी नहीं होगा, मतलब जियोग्राफिकली स्टेगनेशन नहीं होगा उसके अंदर, तो वो क्या होगा? अर्थ तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो सैटेलाइट हमारा जो है अभी भारत पे है, कुछ देर में पाकिस्तान पे चला जाएगा, फिर इंडिया ईरान पे चला जाएगा, है ना, इसलिए इसको जियो स्टेशन सैटेलाइट कहते हैं जो स्टेशनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट लोकपाल कौन थे? काफी आसान क्वेश्चन है, पिनाकी चंद घोष, ठीक है। अच्छा फर्स्ट लोकायुक्त कहाँ हो, अगर मैं लोकायुक्त की बात करूं, फर्स्ट लोकायुक्त तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये मत भूलिएगा, ठीक है। लोकपाल इंडिया के लेवल पे होता है और लोकायुक्त जो है वो राज्य में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, बताइए। 18, 10, 6 या 14? बहुत आसान आंसर इसका, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? केसी नियोगी, सी डी देशमुख, लियाकत अली खान या मुरारजी देसाई, बताइए। फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या वर्ड है जो ध्यान देने होंगे, ये है फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, बताइए। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सी डी देशमुख, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर कौन सा था तो क्या होगा आंसर? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर थे वो थे
सर ओसबोर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे, ठीक है, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था, बताइए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कुछ स्लाइड पहले, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। द राइट आंसर शैल बी कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। और इसका स्थापना कब हुआ था, 2 जुलाई 1862, ठीक है। कलकत्ता जो था वो पहली बार एस्टेब्लिश हुआ था, और उसका जो एस्टेब्लिश का डेट है वो है 2 जुलाई 1862, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन फिल्म वॉज द फर्स्ट फिल्म टू विन द पाल्म द'ओर एट कैंस फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे दौर जीतने वाले भारत का पहला फिल्म कौन सी थी, मदर इंडिया, मुगले आजम, नीचा नगर या राम और श्याम, बताइए क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। जिसने 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 भी रिवाइज किया होगा जीएस को वो बताएगा फटाफट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है नीचा नगर, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थे इस मूवी के, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद, चेतन आनंद इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेंजेंट, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी, रीता फाड़िया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन या प्रियंका चोपड़ा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है रीता फाड़िया, ठीक है, ये मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट डज द सनराइज फर्स्ट अपियर, भारत के किस राज्य में सूर्योदय पहली दिखाई देता है। आप लोगों ने बहुत एक कहावत सुनी होगी, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो भारत का ईस्ट कहाँ हुआ, पूर्व तट किधर हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो ईस्ट हुआ, तो उसको देखते हुए आप आपको आंसर यहाँ देना है, बताइए अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय या वेस्ट बंगाल। ईस्ट में दो नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, कि ये नजर आ रहा है, लेकिन आप इंडिया का मैप देखेंगे तो सबसे ईस्ट में जो पार्ट कुछ पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश का ही पाया जाता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखेंगे ना, ये जो भारत का मैप है, भारत का मैप है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये अरुणाचल का पार्ट है, ठीक है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी पहले पड़ेगी, तो इसलिए अरुणाचल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई मैप, ठीक है, मैं उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको मैंने समझा दिया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद और त्रिगुना सेन, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट, आपके सारे लाइफ लाइन खत्म हो चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर, अब कोई लाइफ लाइन नहीं है, 35,000 सीट्स एसएससी के हैं, अब इसके बाद आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं बच जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट दोगे, और मुझे उसके साथ साथ अपनी अपने तरफ से ये उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट अभी से भी अपना बेस्ट देगा ही और सी विल क्वालिफाई एसएससी एग्जाम, दैट आई कैन गारंटी यू, अपना बेस्ट देना है केवल 10-12 घंटे, प्लीज आप रोज पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, इनको पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। अच्छा, अब्दुल कलाम आजाद चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन का लगाव था, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, वो है 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, उस दिन हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, मिहिर सेन, कल्याण सुंदरम या ओम प्रकाश रावत, बताइए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया
इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं, सुकुमार सेन। ठीक है, देखिए ये सब कैची क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। पहले इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया, पहले महिला आयोग का चेयरमैन पूछ लिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल गलत नहीं करना है। एकदम इसका तो गांठ मान लो आप लोग कि नहीं गलत करना मतलब नहीं गलत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं अपने तजुर्बा से आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में जो बहुत बड़े बड़े मुकाम है वो सारे मुकामों को जिद्दी लोगों ने हासिल किया है। अगर आपके अंदर जिद है ना कि मुझे इस साल की जो SSC है उसमें top 1000 में रैंक लाना है, तो आपका रैंक आ जाएगा। आप मेरा विश्वास मानो, जिद में बहुत ताकत होती है। आप जिद करोगे तो आपके सारे जो टाइम है ना आप सारा डिवोट अपने पढ़ाई पे करोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो सारे ये जिद ठानेंगे और इस पर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मैं तो डेस्परेटली चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करो। ठीक है, प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। ठीक है, समझ गए। भारत में निर्मित पहली कच्ची तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? पहली बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। नहर कटिया नुनुमती, कांडला भटिंडा, हजीरा बीजापुर या मुंबई हाई मुंबई, क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ये। ठीक है, करकटिया नुनामटी बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, ये देश का पहला क्रूड ऑयल पाइपलाइन था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। एकमात्र भारतीय, मतलब केवल इन्होंने ही जीता है, एकमात्र भारतीय जो यूनाइटेड नेशन में जाके जो मानवाधिकार क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उस कार्य के लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन आपके सामने है, वर्गीज कुरियन, एला भट्ट, कांसीराम या बाबा आमटे, बताइए। वर्गीज कुरियन, एला भट्ट, कांसीराम या बाबा आमटे, बिल्कुल सही। आप लोगों में से जो लोग भी बाबा आमटे कह रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाबे आमटे को इसके साथ साथ गांधी पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबा आमटे को गांधी पीस प्राइज मिल चुका है। अच्छा, बाबा आमटे काम क्या करते हैं? चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, कहाँ मिला इनको अवार्ड? देखिए, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो मानवाधिकार के क्षेत्र में जब इनको मिला है तो ऑब्वियस ये बात है ये कोई ऐसा काम करते होंगे बाबा आमटे जिससे मानवाधिकार का संरक्षण होता होगा, सुरक्षा होता होगा। तो आइए थोड़ा सा वो एरिया देख लेते हैं। ये बेसिकली जो बाबा आमटे हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हैं या वर्कर हैं। ठीक, और बेसिकली जो भी लोग लेप्रोसी से सफर कर रहे हैं, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग से जो सफर कर रहे हैं, ठीक है, जो कुष्ठ रोगी हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये काम करते हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। इनके बारे में प्लीज़ आप पढ़िएगा, बहुत सारे पेजेस हैं ऑनलाइन जो आपको बताएंगे। ऐसे लोगों की इनफैक्ट हमारे देश को नहीं हमारे दुनिया को जरूरत है। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने मतलब हमें बहुत सारा मतलब दिया है जीने का। आप सोच रहे हैं अपना लाइफ डेडिकेट कर देना दूसरे लोगों के लिए, कितना बड़ा काम है ना। तो बाबा आमटे का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, ये कुष्ठ रोगियों के लिए रिहेबिलिटेशन का काम करते थे और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल। विंबलडन मैंने आपको बताया है लंदन का एक डिस्ट्रिक्ट है और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जूनियर विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? एशियाई खिलाड़ी दिया बताइए, सुमित नागल, महेश भूपति, विजय अमृतराज या रामनाथन कृष्णन। तो राइट आंसर इज रामनाथन कृष्णन, ही इज द फर्स्ट एशियन। ठीक है, फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल। ठीक है, टेनिस प्लेयर थे बॉयज सिंगल में, उन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल के आधार से, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के आधार से भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए? लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या दमन एंड दीव? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है, तो आपका आंसर बिल्कुल होगा लक्षद्वीप। ठीक है, और आप मुझे प्लीज बताइए कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताइए कि सबसे बिगेस्ट जो यूनियन टेरिटरीज है वो कौन सा है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इन इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल बना है? मिश्रित, ठीक है, बताइए कौन सा बना है। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचनजंगा। इसको बेसिकली यूनेस्को का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज का पहला, ठीक है, ये देखिए यहां पे लिखा है भारत का पहला मिश्रित। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि है क्या, ये है सिक्किम में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थापित है और इसको यूनेस्को द्वारा मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा, इंडस रिवर डेल्टा या दानुबे डेल्टा, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ये है गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द राइट आंसर। ये जो है लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है। ठीक है, बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में हम लोग और डिटेल से इन सब चीजों को, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के चीज, बाकी आयाम को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, बताइए इसका आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर आप फटाफट। जनरल, यस, बिपिन रावत। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बीच नहीं है, एक जबरदस्त सैनिक, एक जबरदस्त योद्धा थे ये हमारे भारतीय आर्म फोर्सेस के, और इनके बारे में क्या कहने हैं, काफी डेयरिंग इंसान थे ये और ही हैज लिव्ड हिज लाइफ फुल्ली। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत जो थे वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये आपका दूसरा होमवर्क है, प्लीज बताइए मुझे कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्क्टिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अंटार्क्टिका में, अंटार्क्टिका आप देख रहे हैं आर्टिक अंटार्क्टिका, अंटार्क्टिका में भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? वैशाली, मैत्री, भारती या गंगोत्री? ठीक है, फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्क्टिका और किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण गंगोत्री। बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया हुआ, बहुत सही। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्क्टिका का एक रिसर्च स्टेशन है जिसको भारत सरकार ने निर्मित किया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पासी कोंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? फिर से डांस आ गया, बताइए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पासी कोंकी जो डांस है वो किस स्टेट का है? बिल्कुल सही, काफी सुंदर, ये इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का डांस है ये, आप लोग ध्यान रखेंगे, पासी कोंग, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस फॉर्म ऑफ लद्दाख? निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? शाही लोक नृत्य कहाँ का, लद्दाख का, बताइए कौन सा है? याक नृत्य, जबोर नृत्य, सुंडोल नृत्य या कोसन नृत्य, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या होगा, संडोल डांस। ठीक है, संडोल डांस को आपको ये याद रखना है कि ये रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी है। ठीक है, लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है किसको, संडोल नृत्य को, इसको नहीं भूलना है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज हेडेड बाय? भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता
अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, काका केलकर, लोकमान तिलक या नानाजी देशमुख? बताइए। नानाजी देशमुख बिल्कुल सही जवाब। इसका जो लोग भी कह रहे हैं काका केलकर, वो बिल्कुल सही जवाब है। काका केलकर जो थे वो भारत के पहले बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी, ठीक है, काका केलकर। याद रखेंगे काका ने अध्यक्षता की थी ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो थी उसकी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, ठीक है, मसालों का बाजार, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? आप सोचिए कितना अजूबा मसाला मसाला बाजार होगा जो सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ तो मसाला मार्केट में घूमते ही मसालों की खुशबू आती होंगी, है ना? बताइए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली। अच्छा ध्यान क्या देना है आपको यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? एशिया का, ठीक है, वर्ल्ड नहीं बोल रहा है, एशिया का लार्जेस्ट होलसेल मार्केट बोल रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? यस बिल्कुल सही, इसका आंसर है दिल्ली। अच्छा दिल्ली में कहाँ है ये, क्या बता सकते हैं दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में है ये खारी बावली। खारी बावली इज अ प्लेस जहां पे एशिया का सबसे बड़ा मसाला मार्केट स्थित है, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कशन किया उसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोग एशियाज में और इंडिया में और वर्ल्ड में जो भी फर्स्ट है उस चीज़ों को डिस्कस किया है। थोड़ा सा आसपास चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री के हैं, उसको हम लोग सेपरेटली हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो ज्योग्राफी या आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आए तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम स्पेसिफिकली उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हमें उसमें और इंटरेस्ट आएगा और वो हमारे लिए एक रिविजन की तरह होगा। तो इसी आशा के साथ कि मेरे सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है जब आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे कि सर मेरा ये रैंक आया है। अगर आप टॉप 500 या टॉप 1000 में रैंक ला पाएं, जो कि बहुत टफ नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल एग्जाम तक रोज 10 घंटा कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो चीज़ें हैं वो और कठिन हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें आसान नहीं रह जाती हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर में चीज़ बताया था कि लाइफ में जो सक्सेस और फेल्योर का होता है ना वो एक रेशियो होता है। आपने देखा होगा कि जो एग्जाम पास करता है वो थोड़ी मेहनत करके पास करता रहता है। क्यों पास करता है आपको पता है? क्योंकि उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। एक जॉब लगने के बाद जो मोटिवेशन होता है वो बहुत हाई हो जाता है। वैसा ही जब आप फेल करोगे तो मोटिवेशन बहुत लो हो जाएगा, और लो मोटिवेशन के साथ अगला एग्जाम में भी आप फेल हो जाओगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट अगले एग्जाम में फेल नहीं होंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। प्लीज़ बहुत मेहनत करते रहिए, स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू सो मच।